नमस्कार दोस्तों, रेखा दास चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी करेले से बने रेसिपी शेयर करूंगी। एक बार आप मेरे तरीके से बना के जरूर देखिएगा, खाने में आपको टेस्टी लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी और आज के लाइक का गोल रखते हैं 1000। तो आज की रेसिपी के लिए लिया मैंने यहाँ पे 250 ग्राम करेला और इस तरीके से हम गोल गोल थोड़ा सा पतले काट लेंगे। करेला आप अपने ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम डालेंगे 1 चम्मच नमक और डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अच्छे से हम मिक्स करेंगे और कम से कम 15 मिनट हम रेस्ट के लिए रखेंगे। नमक और हल्दी अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम 15 मिनट रेस्ट के लिए रखेंगे, फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। 15 मिनट बाद अच्छे से हम करेले को निचोड़ते हुए एक दूसरे बाउल में रखते जाएंगे। और आप देख सकते हो कितना एक्स्ट्रा पानी निकले हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब हम एक पैन में ले लेंगे तेल। तेल जैसे ही हमारा मीडियम गर्म हो जाए हम डाल देंगे करेला। 5-6 मिनट के लिए हम मीडियम हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे, जब तक करेले का कलर अच्छे से चेंज ना हो जाए। तो गैस का फ्लेम मीडियम हाई कर दिया है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रेसिपी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। 5-6 मिनट हो गए करेले को हमें फ्राई करते हुए और आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से कलर चेंज हो गया है। हम निकाल लेंगे। पैन में हम 3 चम्मच तेल रख के जो एक्स्ट्रा तेल है उसे हम निकाल लेंगे। पैन में हमने 3 चम्मच तेल रख दिया है और बाकी तेल मैंने निकाल दिया है। अब हम डालेंगे 1 चम्मच साबुत जीरा, 1 चम्मच हम डालेंगे सौंफ। चार से पांच लहसुन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डाल देंगे। जीरा जैसे ही फ्राई हो जाए हम डालेंगे 2 मीडियम साइज के प्याज को बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काट के। 1/4 चम्मच हम डालेंगे हींग। प्याज को हम फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम में, जब तक प्याज का कलर चेंज ना हो जाए। प्याज का कलर जैसे हल्का चेंज हो जाए डालेंगे 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। 30 सेकेंड और हम फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन जैसे ही भून जाए हम डालेंगे ड्राई मसाले। सबसे पहले गैस का फ्लेम हम लो पे कर देंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, 1 चम्मच हम डालेंगे धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, नमक डालेंगे हम स्वाद अनुसार। एक बार अच्छे से मिक्स करके हम डालेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के। 2 मीडियम साइज के टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। थोड़ा सा हम डालेंगे पानी और मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक टमाटर हमारा पूरी तरीके से सॉफ्ट ना हो जाए। टमाटर डालने के बाद 3 से 4 मिनट अच्छे से मसाले को भून लिया है। आप देख सकते हो टमाटर पूरी तरीके से सॉफ्ट हो गया है और मसाले भी अच्छे से हमारा भून गया है। एक बार मिलाएंगे और डालेंगे हम यहाँ पे 1 चम्मच कसूरी मेथी, थोड़ा सा क्रश करते हुए डाल देंगे। डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला। मसाले जैसे ही हमारा अच्छे से भून जाए हम डाल देंगे यहाँ पे फ्राई किए हुए करेले। साथ ही हम डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। बस अच्छे से मसाले के साथ हम मिक्स करते हुए 2 मिनट और फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स,
अगर आप आज की रेसिपी घर पे ट्राई करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तो बस मसाले के साथ हम मिक्स करते हुए 2 मिनट और फ्राई कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी लगता है रोटी पराठे के साथ खाने में। आधा चम्मच हम डालेंगे आमचूर पाउडर। अब आमचूर पाउडर की जगह यहाँ पे चाट मसाले या नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं। बस अच्छे से मिला के गैस का फ्लेम आप बंद कर देंगे। और ये करेला आपको देख के जितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, लेकिन मानिए बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बन के तैयार भी होता है। तो अच्छे से मिक्स कर लिया है आमचूर पाउडर, गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। तैयार है हमारे बहुत ही टेस्टी मसालेदार करेला फ्राई। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आप एक बार बनाइए, खाइए, फिर मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। रेसिपी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चेहरे पर हमेशा स्माइल रखिएगा।